नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहां पे हमारी जो क्लास है यह है दोस्तों जीएस की क्लास। शुरुआत से कर रहे हैं, बेसिक से करेंगे और आज ये क्लास जो है ये डे वन है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको बता दे कि हमने जैसे आपको बताया था कि हम आपके लिए 120 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस के वो हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो इसी सीरीज में हम आपके लिए यहां पे क्लास लाए हैं। और यहाँ पे बता दें कि 120 जो टॉपिक होंगे उसमें से जो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हिस्ट्री से होंगे। और हिस्ट्री का यहाँ पे ये पार्ट वन है और पार्ट वन में हम आपको इन टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा क्लास वन है और क्लास वन में हम यहाँ पे भारत में जो यूरोपीय कंपनी आगमन है, सामान्य परिचय है वो डिस्कस करवाएंगे। फिर दूसरा हमारा प्रमुख अंग्रेज युद्ध संधि वगैरह, और तीसरा मराठा राज्य, और ऐसे ही करते हम इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अपनी जो क्लास है वो कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास डे वन से है और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए दोस्तों एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे और फिर वहीं पर इसके डिटेल व्याख्या भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न कंपनियों का भारत आने का जो सही क्रम है वह क्या है। तो बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा यहां पर सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डेनिस, डच, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। और यहीं पर बात करें पुर्तगाली, डेनिस, अंग्रेज और डच, फ्रांसीसी। और लास्ट जो ऑप्शन डी है आपके पास वह है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है। पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी। भारत में आने का जो सही क्रम है कंपनियों का, यूरोपीय कंपनी का, वो यही है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, है ना। और यहीं पर अगर डेनिस की बात करें तो उससे पहले आए थे और सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज आए थे। अब जरा यहां पे देखिए, जो कंपनी यहां पर आई थी तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली की। तो पुर्तगाली 1498 में आए थे। फिर दूसरा स्थान डच का है जिसे होलैंड भी कहते हैं और ये 1596 में आई थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली 1498, फिर दूसरा देखिए यहां पे डच जो 1596, तीसरा यहां पे है अंग्रेज जो 1608 में आए थे। देखिए अंग्रेजी कंपनी की जो स्थापना हो गई थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेजों वाली, उसकी स्थापना 1600 में हो गई थी, लेकिन जो ये आए थे ये कब आए थे, ये आए थे 1608 में, है ना। अब यहां पे देखिए इसके बाद वह डेनिस जो 1616 में आए थे, फिर डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए थे 1664 में, और लास्ट यहां पे ध्यान रखना है वह स्वीडिश जो सबसे लास्ट में 1631 में आए थे। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर एक हो चुका है और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। तो क्वेश्चन नंबर दो पूछा है कि प्रमुख यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का जो सही क्रम है वह क्या है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आराम से सोचिए दोस्तों इसका आंसर, कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जो पहले थे ऑप्शन वही ऑप्शन है और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच और फिर डेनिस और लास्ट में यहां पे फ्रांसीसी। तो कंपनियों की स्थापना का जो सही क्रम है दोस्तों वो यही है। तो यहां पे आप देखिए जरा स्थापना क्रम की बात करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली की बात करें तो 1498 में कंपनी की स्थापना हो गई। फिर जो दूसरा नंबर आता है वो आता है अंग्रेजों का, जो 1600 में कंपनी की स्थापना हुई थी दिसंबर 31 को, ठीक है। फिर तीसरा नंबर आपको दिखेगा वो दिखेगा डच का, यानी होलैंड का, जो 1602 में स्थापना हुई थी। चौथा स्थान आपको डेनिस का दिखेगा, 1616 में स्थापना हुई थी। और पांचवी की बात करें तो फ्रांसीसी यानी फ्रांस का, और लास्ट आप यहां पे देखोगे वह है स्वीडिश का, यानी 1731 में। तो कंपनियों का जो यूरोपीय कंपनी है इनका जो स्थापना क्रम है वो इस प्रकार है। तो इन्हें एक बार दोबारा से देखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे। क्वेश्चन नंबर तीन है पुर्तगालियों ने भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो सर्वप्रथम कहां पर स्थापित की थी। अब इसका आंसर दीजिए दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है गोवा, त्रावणकोर, मछलीपट्टनम या फिर कोची। तो क्या इसका सही आंसर होगा, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर सबसे पहले स्थापित की थी।
तो देखिए इसका सही आंसर है कोची, और यही आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं पुर्तगालियों से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों कि मई 1498 में गुजराती व्यापारी था कोई अब्दुल मनीफ नाम से, उसकी सहायता से जो वास्को डिगामा था उसका आगमन भारत के जो कालीकट है केरल में वहां पर हुआ था, ठीक है। और उस समय वहां का जो राजा था वह था राजा जमोरिन, तो उसके काल में उसके दरबार में पहुंचा था। तो पहला फैक्ट ये हो गया। फिर दूसरा फैक्ट यहां पे देखे कि दूसरा जो पुर्तगाली था जो भारत पहुंचा उसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज केबल। तो ध्यान रखना दोस्तों, दूसरा पुर्तगाली आपको पूछा जाएगा कि कौन था जो भारत में आया था, उसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज केबल, पेड्रो अल्ब्रेज केबल। तो दूसरा फैक्ट ये हो गया। फिर आगे देखे यहां पे प्रथम जो व्यापारी कोठी की स्थापना की थी वो 1503 में कोची में की थी। तो 1503 में प्रथम जो व्यापारी कोठी है उसकी स्थापना पुर्तगालियों ने कोची में की थी और 1503 ईस्वी में की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहां पे देखे दोस्तों जो लास्ट पॉइंट आपको पुर्तगालियों से ध्यान रखना है यहां पर वो यह है कि भारत में तंबाकू की, लाल मिर्ची की, काली मिर्ची की, आलू की, काजू की, इन सभी की खेती करने का या खेती लाने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। और पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम, यहां पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम गोवा में प्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना की थी, और यह जो स्थापना की थी 1556 ईस्वी में की थी। तो इस फैक्ट को दोस्तों याद रखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। अब आपको आंसर बताना है इसमें कि प्रथम जो पुर्तगाली वायसराय था वह कौन था। तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, नीनो दी कुना, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मिडा या फिर अल्फांसो डी अल्बरुक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मिडा, यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखें कि यहां से क्या फैक्ट है। देखिए अल्मिडा की बात करते हैं तो ये 1505 में वायसराय बना था, तो पहला वायसराय था जो 1505 में बना था और 1509 तक इसका कार्यकाल था। इसने जो समुद्री व्यापार है उस पर विशेष ध्यान दिया था और ब्लू वाटर पॉलिसी का इसने निर्माण करवाया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का किसने निर्माण करवाया था, तो इसी ने करवाया था, यानी किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मिडा ने। और ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी देन थी या यह पॉलिसी किसने चलवाई थी, तो पुर्तगालियों ने चलवाई थी। अब आ जाइए अल्बरुक पे। देखिए अल्बरुक की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल 1509 से लेकर 1515 तक था, यानी दूसरा वायसराय था। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वो यही था, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में यही था अल्बरुक। यहां पर देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा पर विजय प्राप्त कर ली थी, यानी उससे गोवा छीन लिया था। कब छीना था, 1510 में छीना था। और यही एक ऐसा वायसराय हुआ था पहला जिसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया था, जिससे उनकी पकड़ यहां पर मजबूत हो जाए। तो अल्बरुक से इन फैक्ट को ध्यान रखना है। अब जरा वास्को डी गामा की बात करते हैं। तो देखिए वास्को डी गामा के बारे में सब जानते हैं कि 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था, अब्दुल मनीक की सहायता से पहुंचा था और जमोरिन के दरबार में पहुंचा था। और यहीं पर ऐसा पूछा जाए कि इसकी कब्र कहां पर है, तो देखिए इसकी जो कब्र आपको मिलेगी वो आपको गोवा में मिलने वाली है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहां पर देखिए नीनो दी कुना की। देखिए नीनो दी कुना भी एक वायसराय था, और इस वायसराय की बात करें दोस्तों तो इसके कार्य में जो इंपॉर्टेंट काम था कि 1530 में इसने कोची के स्थान पर गोवा को अपनी औपचारिक राजधानी बनाई थी। देखिए 1510 में तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन इसे औपचारिक राजधानी के रूप में 1530 में किसने बनवाई थी, नीनो दी कुना ने बनाई थी। और यह एक ऐसा शासक भी हुआ जिसने कार्टेज पद्धति लागू की थी, एक प्रकार का टैक्स होता था समुद्री व्यापार का, और यह एक ऐसा टैक्स था जिसे अकबर तक भी दिया करता था, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों और इसे आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका दोस्तों आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा,
कि डचों ने भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो सर्वप्रथम कहां पर लगाई थी, कहां पर स्थापित की थी, है ना? गोवा में, त्रावणकोर में, मसूलीपट्टनम में या फिर कोची में? तो बताइए डचों ने कहां पर लगवाई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोवा, कोची, मसूलीपट्टनम या फिर त्रावणकोर। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको मसूलीपट्टनम में। तो डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी। अब जरा यहां पे देखिए, ये है डच जिन्हें हम हॉलैंड वाले भी कहते हैं, है ना? और यहां से दोस्तों जो प्रश्न इंपोर्टेंट बनेंगे कि प्रथम डच यात्री आपको पूछा जाएगा कौन था, तो इसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। क्या नाम था? कार्नेलियस हाउटमैन। प्रथम डच यात्री इसका नाम कार्नेलियस हाउटमैन था। फिर यहां पे आगे देखिए कि प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी और 1605 में लगाई थी। तो देखिए दोस्तों ईयर भी ध्यान रखना है, जो प्रथम फैक्ट्री होती है बार बार पूछी जाती है। तो प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में। और फिर यहां पे कुछ और फैक्ट देखेंगे कि डचों ने वस्त्र निर्यात पर विशेष ध्यान दिया था। देखिए जैसे पुर्तगाली वगैरह थे, है ना, तो इन्होंने तो मसाला व्यापार पर विशेष ध्यान दिया था, लेकिन जो डच वगैरह थे इन्होंने जो कपड़ा व्यापार है उस पर विशेष ध्यान दिया था। तो यहां पर यह फैक्ट है इनके लिए स्पेशल। और यहां पर आप देखिए कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका दूसरा नाम है ओरिंगदे ओस्ते इंडस्ट्री कंपनी, यानी मूल नाम इसका यह है। इसकी स्थापना 1602 में हुई थी, है ना? और फिर यहां पे दोस्तों एक फैक्ट और ध्यान रखना जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। और यह युद्ध बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इस युद्ध के बाद डच भारत से छोड़कर बाहर चले गए थे, दूसरे देश में चले गए थे। तो यहां पर यह हो चुका है। और एक चीज दोस्तों यहां पर यह भी देख लीजिए, और यूके शशि ने आपको यह पूछा था कि चिंसुरा में जो डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, है ना, तो यह आपको यूके शशि ने पूछा था। तो अक्सर पूछा जाता है इनकी फैक्ट्री से। देखिए पुलिकट में फैक्ट्री इन्होंने 1610 में लगाई थी, यहीं पर इन्होंने स्वर्ण सिक्का पेगोड़ा का भी प्रचलन करवाया था। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि स्वर्ण सिक्का पेगोड़ा का जो प्रचलन कराया था किस यूरोपीय द्वारा करवाया गया था, तो ये डचों द्वारा कराया गया था, है ना? और फिर 1627 में पीपली बंगाल में एक फैक्ट्री खोली गई थी, अस्थायी रूप से थी, बाद में से ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन स्थायी और बड़ी जो फैक्ट्री थी वो चिंसुरा में खोली गई थी, 1653 में बंगाल में खोली गई थी। और यह फैक्ट आपको यूकेएससी ने पूछा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप चैनल पे नए हैं और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पर, इसका आंसर दीजिए जरा कि अंग्रेजों ने अपनी सर्वप्रथम जो अस्थाई फैक्ट्री है उसकी स्थापना कहां पर की थी। अब देखिए इन्होंने अपनी जो पहली जो अस्थाई फैक्ट्री है वो कहां पर स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोची, सूरत, बंगाल या फिर पिपली? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो सूरत में मिलेगा। 1608 में इन्होंने सूरत में अपनी एक अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी, लेकिन ये स्थाई रूप से बाद में बनती है, है ना? अब यहां पे देखिए जरा कुछ फैक्ट की बात करते हैं, जैसे अंग्रेज की बात करते हैं। तो अंग्रेज की बात करें तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, रानी एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुई थी। उस समय रानी कौन थी, रानी एलिजाबेथ प्रथम। फिर देखिए कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज अधिकारी था वह कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो 1608 में अकबर के नाम से, यानी अकबर के दरबार में आने का सोच रहा था, और जेम्स प्रथम का यह पत्र था, लेकिन वो उस समय 1608 में अकबर की मृत्यु हो गई थी तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। अकबर के लिए आया था जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, लेकिन अकबर उस समय मृत्यु को प्राप्त हो चुका था तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, तो कैप्टन हॉकिंस हो गया, है ना? फिर यहां पे देखिए कुछ और फैक्ट की बात करते हैं कि 1608 में सूरत में अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना की थी, जिसे जहांगीर द्वारा जनवरी 1613 में मान्यता या फिर परमिशन दे दी गई थी। तो स्थाई फैक्ट्री बाद में यह बन गई थी, पहली फैक्ट्री इनकी यही थी, ठीक है? अब देखिए बंगाल में पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर बनाई गई थी, तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का यह फैक्ट है। अब जरा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे 8 है, और इसका आंसर दीजिए जरा कि प्रमुख शहर और उसके संस्थापक, कलकत्ता, मद्रास, बंबई। अब आपको यह बताना है कि इसमें से देखिए दोस्तों यहां पे सही मिलान करें नहीं कि सही मिलान निम्न में से कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो बताइए जरा कौन सा नहीं है, यह आप बताइए जरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए कलकत्ता की स्थापना दोस्तों जॉब चारनाक ने बिल्कुल सही कराई थी, यह तो बिल्कुल सही है।
मद्रास की बात करें तो फ्रांसिस जो डे है इसने इसकी शुरुआत कराई थी, इसकी स्थापना की थी। बंबई की बात करें तो गेराल्ड आंगियर, यह बिल्कुल सही है। और दिल्ली की बात करें तो मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है यह गलत है। तो क्वेश्चन नंबर इसका डी है। और दिल्ली शहर को किसने सर्वप्रथम बसाया था, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब देखिए दोस्तों, एक फैक्ट आपको यहां पे बता देता हूं, वैसे तो सभी को मालूम होगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पे, जैसे यहां पे जॉब चारनाक की बात करते हैं, तो जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। और यह जो स्थापना की थी दोस्तों कि यहां पे क्या हुआ था, ये 1698 में बंगाल का कोई सूबेदार था अली मुश्तान नाम से, उसने तीन गांव सुतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर 1300 रुपए में मात्र इन्हें दे दिया था। और फिर वहीं पर जॉब चारनाक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी, गेराल्ड आंगियर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बंबई की, है ना। और यह भी आप ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक फिर ध्यान रखना कि 1611 में चार्ल्स सेकंड के विवाह जो कैथरीन से हुआ था पुर्तगाली रानी से, होने पर जो यहां पर जो पुर्तगाली थे उन्होंने दहेज स्वरूप बंगाल को दान कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर यह हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसका आंसर दीजिए जरा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी पहली जो फैक्ट्री है भारत में कहां स्थापित की गई। तो अब डेनिश की बात की गई है और इसका आंसर आप दीजिए जरा कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की गई, गोवा, त्रावणकोर, मसूलीपट्टनम या फिर कोची। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम डेनिश कंपनी की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी दोस्तों त्रावणकोर में, यह ध्यान रखना। और यहीं पर दोस्तों कुछ और फैक्ट की बात करें कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1616 में इस कंपनी की यानी स्थापना हुई थी और यहां पर देखने तंजौर में हुई थी, त्रावणकोर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए जरा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो बताइए लुई 15 के, लुई 14 के, लुई 16 के या फिर लुई 17 के। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो देखिए दोस्तों इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी लुई 14 के काल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही पर अगर कुछ फैक्ट पूछा जाए कि कब हुई थी, तो 1664 में हुई थी और लुई 14 के काल में जो इसका मंत्री था कोलबर्ट, उसके प्रयासों से इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी। और फ्रैंक केरो बाद में इसकी सहायता से पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फ्रांसीसियों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है कहां पर लगाई थी, सूरत में लगाई थी। कब लगाई थी, 1668 में लगाई थी, किसकी सहायता से, फ्रैंक केरो की सहायता से। और यहीं पर बात करें आधुनिक जो पांडिचेरी है उसकी स्थापना 1674 में जो फ्रैंकिस मार्टिन है उसके द्वारा की गई थी। और यहीं पर अगर फ्रांसीसी कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी द एंड ओरिएंटल इसका पूर्ण नाम था। तो यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही था। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स के लिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये कुछ प्रमुख यात्री हैं और इनका आपको मूल स्थान बताना है कि किस देश के निवासी थे और इन्होंने किस चीज की खोज की थी, यानी किस जो शहर है या किस देश की इन्होंने खोज की थी। तो जरूर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और यहां तक दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही है दोस्तों, कल के नई क्लास में। और हाँ दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब देहरादून स्टडी पॉइंट और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।